बेटी की मौत, अब मां ने लगाई सुरक्षा की गुहार। बेटी की हत्यारों से मासूम को बचाने की मां ने लगाई गुहार। नाबालिग के सामने ही उसकी बड़ी बहन को आरोपी ने उतारा था मौत के घाट। आरोपी के गिरफ्तार हो जाने तक घर में सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने की मांग। नाबालिग को भी बना है जान का खतरा। पन्ना कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम कोहनी निवासी एक मां ने अपनी बड़ी बेटी के हत्यारे से अपनी मासूम बच्ची को बचाने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई है। बता दें कि मामला पन्ना कोतवाली थाना अंतर्गत बराज चौकी के ग्राम कोहनी में लगभग एक वर्ष पूर्व आरोपी द्वारा पीड़िता की बड़ी लड़की की धारदार हथियार बका से हत्या कर दी गई थी। इस पूरी वारदात को मृतिका की छोटी बहन ने देख लिया था, जिसके बाद आरोपी द्वारा उसे भी मारने का प्रयास किया गया, लेकिन वह किसी तरह बच निकली। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, जिसके चलते मां को अपनी नाबालिग बच्ची की भी जान का खतरा लग रहा है, जिसके चलते उसने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि दिनांक 19 मई 2020 को पुलिस अधीक्षक पन्ना के द्वारा उसके परिवार की सुरक्षा हेतु 5 पुलिस तैनात किए गए थे, लेकिन दिनांक 5 जनवरी 2021 को परिवार की सुरक्षा में तैनात गार्डों को अचानक हटा दिया गया। पीड़ित परिवार की ये भी कहना है कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा जाता, तब तक उनके परिवार को जान माल का खतरा है, क्योंकि आरोपी कभी भी पीड़ित परिवार के साथ कोई बड़ी घटना घटित कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसकी समस्त जवाबदारी शासन व पुलिस प्रशासन की होगी, इसलिए परिवार की सुरक्षा को देखते हुए पुनः उसके घर में गार्ड तैनात किए जाए। वहीं इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी के ऊपर पुलिस द्वारा 30,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है, किन्हीं कारणों के चलते गार्डों को वहां से हटाया गया है। अभी चौकी के पुलिसकर्मियों के द्वारा परिवार की निगरानी की जा रही है। विद्या किरण के लिए डेस्क से रिपोर्ट। आवे के सुनाई हो जा, 20 बार आए कोई सुनाई नहीं है, कोई नहीं सुन रहा हो, न SB ना कलेक्टर ना दरोगा ना TI कोई नहीं सुन रहा है। मोहलत मंगा रहे के 10 दिन की दे, 15 दिन की जा, जी में साल पूछ गई गाट पड़ी थी हमारे घर में, सुनने वही बुला लाई तो हमारी बच्ची को, हमारी बहू को, सबको खतरा है। तो हम को मुंजम मिलो चाहे चाहे जिंदा मिले चाहे मारो मिले, तो जो ऐसे ही में टिरका रहे मुंजम नहीं ढूंढ रहे, वो हम कहाँ भटका रहे, तो हम ये चाहते हैं। वो हमारी लड़की है गवाह में, तो उसको खतरा है कि नहीं है पता कि अपराधी नहीं मिले, कि कब मारा थे कब नहीं मारे। सो हम जा चाहे थे कि हमें अपराधी मिल जाए, जिंदा मिले चाहे मारो मिले, और है सो हमको जलो मुंजम ना मिले, जलो हमको गाट चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, बस कहां आई हैं आप? अपराधी कि हमको अपराधी मिलना चाहिए, ठीक क्या है? हो गया था? 302 के कांड हुआ था, उसमें साल भर हो गए, ठीक है, और साल भर एक साल हो गए, गांठ पारी रही घर में, गांठ बुला लिया, और जब और है सुखा का हाल थे, एक साल हो गए गांठ पारी रही गांठ बुला लिया, ठीक है, वो अपराधी नहीं मिल रहा है। हम का कहा थे 10-12 बेर होगा इतने आवेदन दे, और इसी में बोल रहे हैं FC साहब कि कहीं 15 दिन की, कहीं 8 दिन की, कहीं 1 महीना की मोहल्लत देते हैं। क्यों सुरक्षा चाहती हो आप? हम तो ये सुरक्षा चाहते हैं कि हमको मुंजम मिलना चाहिए, मुंजम मिलना चाहिए, फिर हम जहां मुंजम मिल गया सो हम वहाँ हो जाएंगे। कल बुलाई गांठ, परसों पहले पिछली पुलिस आती तो बुला के फिर एक दिन यहाँ से गई है, वो एक दिन रही है, और फिर सीधे वापस कल आ गई है। आरोपी से किसको खतरा है? हमारी लड़की को खतरा है, हमको खतरा है, सभी घर को खतरा है। सुरक्षा की व्यवस्था मुहैया कराई गई है, और वहाँ की अपने थाना कोतवाली की पुलिस भी उसमें वहाँ जा करके उसकी निगरानी करती है, उसके तलाश के सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे उसकी होगा उसके खिलाफ 30,000 रुपये का इनाम भी घोषित है, जैसे दस्तयाबी होगी उसको गिरफ्तार कर लेगी। सुरक्षा के लिए ऑलरेडी 1-4 की गार्ड लगाई गई थी, अभी जो है कुछ कारणों से वो गार्ड उधर से पृथक हुई है, तो वहाँ के चौकी के स्टाफ द्वारा उसकी निगरानी की जा रही है।